a warm welcome to the Pulse Rajya Sabha TV's fortnightly show that gets you issues which impact the larger society. Our today's episode talks about the specially abled and the differently abled people in the country. Census 2011 says that 2.21% of the country's population lives with one or multiple disabilities, which makes India home to a large number of differently abled people in the world. But what has changed the scenario? The replacement of the 1995 Disabilities Act with the 2016 Act, which has increased the inclusivity. It has broadened the categories from 7 to 21. Now, this journey of Viklang to Devyang has broken all institutional and attitudinal barriers. And in fact, work is being done on a war footing. So how has the perception about the differently abled people being changed, and how is this story of empowerment unfolding in the country? Well, joining me now is a vibrant panel and some very powerful voices. First of all, Union Minister for Social Justice and Empowerment, Thawar Chand Gehlot, who has joined us on the show. Next to her is Ira Singhal, the first differently abled IAS officer, who again has broken the glass ceiling of sorts. Then we have Javed Abidi, the veteran activist who was the voice behind the Disabilities Act of 1995, and Dr. Satyen Singh, who is a practitioner and is a voice on accessibility issues. And not to mention, we are also joined by a vibrant set of differently abled people who are going to come out with their stories, and they will tell us that they how enabled and how empowered they are. So welcome all of you on this program. I welcome all the guests. And I would like to open the debate today with Mr. Gehlot. Mr. Gehlot, jo disability ka jo ek definition hai, wo aap ek mantri hone ke naate aapne kis tarah se change kiya hai? सबसे पहले तो आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में हमको मार्गदर्शन देने के लिए, सुझाव देने के लिए आए हुए सभी महानुभवों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। मंच पर बैठे हुए अतिथियों का भी स्वागत करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय का दायित्व मुझे दिया, जिसमें पर्संस विद डिसेबिलिटीज़ भी आती है। वन टू वन चर्चा में और मीटिंग में भी उनके दिमाग में आया कि ये जो विकलांग शब्द है ये सम्मानजनक नहीं है, कोई नया नाम ढूंढना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है साहब, हम भी ढूंढते हैं और आप कोई मार्गदर्शन करना। तो 8-10 दिन बाद उन्होंने कहा कि ये दिव्यांग शब्द कैसा रहेगा, तो हमने कहा कि ठीक है। उन्होंने एक दिन एक कार्यक्रम में घोषणा कर दी कि भारत में विकलांगजन को हम अब दिव्यांगजन कहेंगे, और इसके लिए मुझे निर्देशित किया कि आप सहमति बनाओ। तो हमने इसको वेबसाइट पर डाला, लोगों के सुझाव मांगे। 2-3 राज्यों को छोड़कर जो पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के हैं, उन्होंने सबने इसका समर्थन किया। और वो जो 2-3 राज्य हैं, उन्होंने भी इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि दिव्यांग का अर्थ क्या है ये हम ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमारा इस पर कोई कमेंट्स नहीं है। इस प्रकार की राय दी। तो जब वातावरण इसके अनुकूल दिखा, तो फिर प्रधानमंत्री जी ने इसकी सार्वजनिक घोषणा कर दी और हमको निर्देशित किया कि आप मंत्रालय में लिखा पढ़ी करके कागजों में भी ये सब कार्रवाई करें। और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमने विकलांगजन का नाम दिव्यांगजन कर दिया, और हमारे सभी लेखपढ़ में और जो संस्थाएं हैं उसमें ये नाम प्रचलित हो गया। हालांकि जो संयुक्त राष्ट्र महासंघ है, वहाँ तो उन्होंने पर्संस विद डिसेबिलिटीज नाम रख रखा है। वहाँ हम कभी पत्र व्यवहार करते हैं तो दिव्यांगजन लिखते हैं, परंतु ब्रैकेट में पर्संस विद डिसेबिलिटीज लिखते हैं। Absolutely. और कुल मिलाकर के इस नामकरण को देश में प्रसिद्धि मिली और जनता ने इसको स्वीकार किया, और हम इसके माध्यम से दिव्यांगजनों का सम्मान करने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। आपने बोला कि जो डेफिनेशन है वो इस तरह से चेंज हुआ, मोदी जी ने जो विकलांग शब्द का प्रयोग किया जाता था अब उनको दिव्यांग बोला जाता है। इनफैक्ट बिफोर आई गो टू द डिफरेंटली एबल पीपल हु आर हियर
who have joined us on the program. Let's find out what have been the bare facts of the stories of disabilities in India, how this movement has unfolded, and what are the bare facts before you. Take a look. Prime Minister Narendra Modi suggested the term Divyang, which translates to divine body for persons with disability, instead of usual term Viklang. ...2.21% of total population in India has disability. 70% of India's disabled population lives in rural areas. Only 8.5% disabled people in India acquire a graduate degree. Only 36.3% of the disabled population are employed. More than 41% persons with disabilities in India never get married. Children with special needs form the largest out-of-school group in India. Rights of Persons with Disabilities Act 2016 recognizes 21 types of disability. The number of unemployed persons with disabilities will cross 10 million by 2022 if appropriate skills are not imparted through training programs. The share of allocation to the Department of Empowerment of Persons with Disabilities fell from 1.08% in 2016-17 to 0.98% in 2017-18. No commitment across sectors to address the issues of discrimination experienced by persons with disabilities. Leaving persons with disabilities out of economy translates into a loss of about 5-7% of GDP. Okay, so when we say that 2.21% of India's population is differently abled, so how, in what sense are they differently abled, or how enabled they are? In fact, we have with us a few people here. Harish Mendiratta, who's joined us from Ahmedabad, and you would be happy to know that he is running a driving school in Ahmedabad. He's all the way, he's come back, he's come to Delhi. Harish, give him the mic, please. Yes. We want to know your story. How empowered and how enabled you feel? Sir, namaskar. Mera naam Harish hai. और मैंने करीब 20 साल तक कॉरपोरेट वर्ल्ड में जॉब किया है और उसके बाद 2015 में मैंने डिसाइड किया कि मैं डिसेबिलिटी और मोबिलिटी के ऊपर अपना सहयोग देना चाहता हूं और मैं अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूं सोसाइटी के लिए. तो जो मैंने पाया सर कि पूरे देश भर में कहीं पे भी कोई ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर नहीं है दिव्यांग लोगों के लिए जो कार या टू व्हीलर ड्राइव करना सीखना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए कस्टमाइज्ड कार्स की, मॉडिफाइड कार्स की जरूरत होती है. मंत्री जी यहीं पर है, शायद कुछ आपकी आज इसमें मदद हो सके. यस, यू हैव कम फ्रॉम वेयर एंड व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम यू हैव बीन फेसिंग? हाय, माय नेम इज प्रीति एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ. आई वाज बोर्न विद सेरेब्रल पॉल्सी. एज प्रोफेशनली आई एम अ chartered accountant in making, that is wow. That is what is going on right now. But when you talk about accessibility and empowering and enabling, I really want to ask one question to our minister, that is it not important to actually have to change more in the country rather than just changing the name? Okay. We'll it. Go back to the minister, yeah. But I want a few more stories to unfold before the audience. Yes, मैं सुवर्णा राज, international para athlete and disability के लिए भी काफी से काम कर रही हूँ. सुगम्य भारत अभियान का हिस्सा भी हूँ.
मैं सिर्फ मुझे लगता है जो मैंने फेस किया है बचपन से लेके आज तक, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो एक्सेसिबिलिटी का रहा है कि एजुकेशन ठीक से नहीं ले पाई बिकॉज ऑफ एक्सेसिबिलिटी. स्कूल एक्सेसिबल नहीं थे, उसके बाद कॉलेज एक्सेसिबल नहीं थे, और अभी भी वही चीज़ मैं फेस कर रही हूँ. चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कुछ भी, एक्सेसिबिलिटी अभी भी नहीं है. हम कितना आवाज उठाए ना. ओके, सो एक्सेसिबिलिटी इज अ बिग इशू. सो फ्रॉम वेयर हैव यू कम, जस्ट टेल अस योर नेम. आई एम अ रिटायर्ड एयरफोर्स वेटरन. माय नेम इज ग्रुप कैप्टन मलाकर, एंड आई वाज टू फ्लाई फाइटर एयरक्राफ्ट, एंड आई हैड अ क्रैश, एंड आफ्टर द क्रैश आई डेवलप्ड अ डिजनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस. Fortunately, this particular thing, multiple sclerosis, has been included in the new Rights with People with Disability Act. It was not but there earlier. But you're living with this condition for how long? I'm living this condition for nearly... The initial problem was they could not diagnose it because the knowledge of this particular disease was extremely limited. Okay. And the doctor sent me to the wrong specialist. He sent me to the surgical specialist, where he should have sent me to the medical specialist. Okay. So that's the question of the knowledge in the medical fraternity. I'm talking about 1995. Okay. When I started manifesting these problems. Any case, the problem is in the Air Force, you have to be medically fit for the duties of your branch, which I was not after I was diagnosed with this 3 years later. Okay. So that also was an issue, because the later you diagnose this particular disease, the later your treatment can come in. Right. And well, that's all water under the bridge. Now I have to live with it, but notwithstanding that, I have... I'm living with it and fighting the disease. That's the training which I have got throughout my career. And I'm very grateful that I actually survived the crash. I was with scratchless physically, but internally I didn't know what happened. That was only diagnosed of 3 years. Okay. Now, we're very fortunate that this particular day, multiple sclerosis, which is not very well known in India, has now been included in the new Rights with People with Disability Act. Flowing from that, a lot of benefits will come to not only this disability, but many more. Okay. Which was there, which was not there earlier. Right. And we hope that everything in the Act, at the moment is all in theory, is implemented, audited, and is made actionable. Okay. At the moment, it is not. So, what you're saying is that whatever has been enlisted in the Act, of course, there are reasons for the people to smile, but how implementation takes place, that is going to be a challenge. I'll come to Ira Singhal now. You are one example which has just outshined in the differently abled world. What do you think is, how does the concept of disability unfold for you? You have broken the barriers. You have come at a position where people from this class can really look up to you. What is the challenge which you really feel that at the moment the differently abled people are facing in the country? I think the biggest challenge is about perception. Okay. So I agree with orthopedic disability and with visual disability, and even with hearing, there are accessibility issues. But accessibility issues will only get solved when people start thinking about it, and when people start thinking that people with these kind of disabilities are worth something. Okay. So it's all about perception. It's all about thinking that these people are worth something, worth putting them in the mainstream, worth making an effort for, and worth changing things for. So, Javed, I'll come to you. When it comes to the perception about the differently abled people, do you think that the new Act has really helped in changing the perception? Is it the beginning of changing the attitudes towards the differently abled people? Has that beginning been made somewhere? Well, the beginning was made way back in 1995 when we got the first law. Right. From 1995 to 2015-16 has been a 2-decade, 20-year journey. Mm-hmm. But the problem of the 95 Act, amongst many other problems, was that it only recognized a very few disabilities. Right. As far as the Rights of Persons with Disabilities Act is concerned, I personally have called it a game changer. Okay. I mean, I do concede that it's not a perfect law, no law is perfect, etc., etc. There is so much more that could have been in it, there is so much more that can be done in the future. But as of today, I am calling it the beginning of a new journey, which I refer to as disability 2.0. Okay. It's like the second generation of the disability movement. Okay. जो इसमें सबसे बड़ा फर्क आया है, जिसकी हर जगह चर्चा है, वो है जो हमारी विकलांगताएं 7 से बढ़कर 21 हो गई,
और जिसमें कि जैसे भी कैप्टन साहब ने कहा कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी है या हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल डिजीज़ है, एसिड अटैक है, ऐसी कई सारी विकलांगता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, जिनको कि हमारे देश में आज तक विकलांगता ही नहीं समझा जाता था, वो अब विकलांगता की परिभाषा में आ गए, तो उसका असर आने वाले समय में दिखेगा। सो द कैटेगरी हैज बीन ब्रॉडेंड एंड वी से दैट वी हैव अटेन्ड द इंक्लूसिविटी गोल बिकॉज़ वी हैव इंक्रीज्ड द कैटेगरीज फ्रॉम 7 टू 21। बट डॉक्टर सतीन सिंह, अकॉर्डिंग टू यू, इंक्रीजिंग द इंक्लूसिविटी, डू वी रियली रेस्ट देयर? बिकॉज़ inclusivity of course is there, but as one of them pointed out, that implementation is a very big challenge. What according to you is the biggest hurdle at the moment when you talk about an increasing inclusivity, and also looking at the same time how the implementation is taking place on the ground? I think the biggest problem right now is the exclusion of the voices of people with disability. Okay, when you say exclusion, what does that mean? I will explain you. The first thing is that we are the world's largest minority. As per the WHO report, 1 in 7 experience some a form of some kind of disability. Now, if you see, things are imposed on people with disabilities, because if you see, look at the example of the Divyang story, Modi ji ke man mein ek baat aayi, unka kafi noble thought tha ki inko kuch alag naam diya jaye. But the problem is, he was naming a community of people with disabilities without consulting them. Okay. Mantri ji ne parliament mein kaha tha ki ek ya do rajya ke alawa sab ne is shabd ko maan liya hai. Jo very right to information thi, I filed in all the states. 36 जो हमारी पूरी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें से सिर्फ 23 का जवाब आया था, नॉट इवन 75%. दो नहीं चार स्टेट्स ने मना किया था, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, मेघालय, दे सेड वी डू नॉट लाइक दिस वर्ड. ओके. दिल्ली और एक और राज्य ने कहा था कि वी आर न्यूट्रल ऑन दिस. ओके. बाकी राज्यों में चुनाव होते आचार संहिता थी. ओके. मेरी छोटी सी गुजारिश ये है कि जब आप एक पूरे समाज को एक नाम दे रहे हो, महात्मा गांधी जी की सोच अच्छी थी, उन्होंने हरिजन शब्द का उपयोग किया, दलित समाज ने उस शब्द को नकार दिया. Because if you are naming a community, a samaj, you have to ask those people what they think about that. Okay. I think I am not specially abled. I think I do not have any divine abilities. I am a normal individual, a person with disability. गहलोत साहब, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने जो कहा है कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ये शब्द को माना ही नहीं है, अपनाया ही नहीं है, तो जो पूरा जो एक देखने का नज़रिया है, जो देखने का दायरा है, वो कैसे बदलेगा, और हम ये कैसे कह सकते हैं कि एक ये नई शुरुआत है? सत्येंद्र सिंह जी ने स्वयं कहा, उनकी जानकारी ठीक है, कि 23 राज्यों ने राय दी थी, उन्होंने यस किया था, बाकी कुछ राज्यों ने राय दी नहीं. और मैंने उसका कारण बताया कि उनको दिव्यांग का अर्थ समझ में नहीं आया, इसलिए उन्होंने इस पर कोई कमेंट्स करने से सहमति नहीं दी, तो इनकार भी नहीं किया. दो तीन राज्य ऐसे थे, उनका भी यही कारण था कि हम इसका अर्थ ही नहीं समझते, इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते. तो क्या, क्या और एक एक बात दूसरा, ये मैंने इस विषय को पार्लियामेंट में जब ये एक्ट पास हो रहा था तब बोला, परंतु मैंने ये नहीं कहा कि इन राज्यों ने ये किया और इन राज्यों ने नहीं किया. अधिकांश राज्यों ने सहमति दी और कुछ राज्यों ने इसका अर्थ समझा नहीं, इस कारण से कमेंट्स करने से मना किया, इतना ही. एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये एक्ट लागू किया और जब इसका नामकरण हमने दिव्यांगजन कर दिया, कहीं से भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति आज तक नहीं आई. और इसलिए भी हमको बल मिला कि इस नाम को सबने स्वीकार किया है. और लेकिन गहलोत जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि लेट्स नॉट गेट, आई मीन आई एम ऑल्सो टेलिंग डॉक्टर सत्येंद्र सिंह दैट वी आर नॉट वॉन्टिंग टू गेट इन टू द पॉलिटिक्स ऑफ व्हाई स्टेट्स एक्सेप्टेड द डेफिनेशन और नॉट, बट माई क्वेश्चन टू यू सर इज दैट जो डेफिनेशन है दिव्यांग का, क्या उस डेफिनेशन में अभी भी कोई कमी रह गई है? व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ अ डिसेबिलिटी? आप अभी भी डिसेबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? 21 जो कैटेगरीज हैं उनके अलावा एक जनरल डेफिनेशन क्या निकल के आ रहा है, क्योंकि ये लोग ये बोल रहे हैं कि जो डेफिनेशन है डिसेबिलिटी का वो भी अभी कम्प्लीट नहीं है. बहुत सारे लोग इसको पहले स्पेशल एबल्ड और इस प्रकार के नाम देते थे. हमारे यहाँ प्राचीन ग्रंथों में ये अनेक प्रकार की दिव्यता प्राप्त यानी प्रतिभा के धनी, इस प्रकार का इसका आशय है. हमारे ध्यान में तो इससे अच्छा शब्द अभी नहीं आ रहा है. अगर यहाँ बैठे हैं, इनके मन में
और सत्येंद्र सिंह जी साहब के मन में भी अगर कोई अच्छा नाम आए तो सुझाव दें, हम उस पर भी विचार करेंगे। ऑडियंस से ही पूछ लेती हूँ इस बात पे, फिर हम आगे दूसरी बात पे चर्चा करेंगे। एक मिनट गहलोत जी, आपके पास आती हूँ। गहलोत जी का ये कहना है कि भाई आप लोग में से कोई बता दीजिए कि आप दिव्यांग शब्द से कितना रिकनसाइल करते हैं। डू यू रियली एक्सेप्ट द टर्म दिव्यांग विच हैज बीन गिवन बाय द करंट गवर्नमेंट? मैं भी दिव्यांग शब्द से सहमत नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम जो है, अगर हमें हमारे नाम से जाना जाए तो भी ठीक है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी भी ठीक है, विकलांग भी ठीक है, जो हम है वो है ठीक है। जस्ट पास ऑन द माइक सम मोर पीपल। यस, दिस साइड, एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग हियर? यस, मुझे लगता है कि नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कर्म ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, चाहे दिव्यांग हो चाहे विकलांग हो। हमें शब्दों के अर्थ के अलावा भी ये सोचना चाहिए कि इसके ऊपर जो चीज़ें ज़रूरत है वो प्रॉपर तरीके से निकल के आए। नहीं, लेकिन इसमें बुराई क्या है? एक ब्रॉडर डेफिनेशन आपको सरकार ने दिया है कि ये वो लोग हैं जो कमज़ोर नहीं है, उन्हें एक दिव्य शक्ति प्राप्त हुई है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप कुछ बोलना चाहेंगे? मेरे हिसाब से कुछ भी ऐसा नहीं है कि अलग से हमें प्राप्त है। द पॉइंट इज पर्सन विद डिसेबिलिटी जब बोला जाता है तो उस पर पर्सन पे फोकस करना चाहिए रादर देन अ डिसेबिलिटी। ओके, सो अगेन एक्सक्लूड किया जा रहा है। अच्छा, तो आपके हिसाब से ये इंक्लूजन नहीं है, एक्सक्लूजन है। इसकी द माइक थी। गहलोत साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? देखो, मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि हमने जो संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत व्यवस्था है उसके अनुसार राज्यों से राय मांगी। अधिकांश राज्यों ने राय दी है। अगर यहाँ ये सुझाव कोई भिन्न दे रहे हैं तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि वो उन राज्यों से भी सहमति दिलाए तो हम इस पर विचार करने का काम करेंगे। और नहीं तो मैं एक बात कहता हूँ, नाम में सम्मान छिपा होता है। विकलांग की तुलना में दिव्यांग में कुछ सम्मान के भाव है। इस आशय से नरेंद्र मोदी साहब का ये सुझाव आया और देशवासियों ने इस पर आम सहमति दी, इस कारण से हमने ये नामकरण किया है। और आज भी लोग इसको पहले की तुलना में ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हमारे पास एप्रिसिएशन लेटर भी आए, टेलीफोन भी आए, और आज मिलते हैं लोग, वो भी कहते हैं कि ये दिव्यांग शब्द विकलांग की तुलना में ज़्यादा सही है। उसके बाद भी अगर कोई सुझाव देंगे और आम राय बनाने में वो सफलता प्राप्त करेंगे तो हम उनके सुझाव पर विचार करेंगे। Suggestions are always welcome, but there is no doubt that the journey from Viklang to Devyang has been an enabling one. At least the word handicapped, terms like mental retardation, they have been replaced, which were very demeaning for the differently abled people. We will have to give credit to the present government how the definitions have changed. But I would like to move on from here. Beyond the definitions, there is a larger story which is hidden as far as the differently abled people are concerned. Accessibility is a huge issue. How do you make the environment more enabling for a differently abled person? I would like to come to Ira on this. When you talk about the accessibility for the differently abled people, do you think that somewhere the difference is being made? Because if you look at the Niti Aayog 3-year agenda and as what the original plan was, that how you should make 7,500 buildings accessible for the differently abled people, 150 railway stations making it more accessible for the differently abled people. Do you think that the journey is on the right track? So the good thing is that it has started happening at least. Okay. Till a few years ago, nobody even thought about it. This was not a part of the agenda. Okay. When a new building was made, it was never thought that there should be a ramp. It was never thought about that we should have signs on the floor so that people with visual disabilities can use them. As of now, whenever a new building is constructed, this is an idea in someone's head. So this has definitely changed. I can say the example of my offices. Older DM offices do not have ramps, but my office is relatively new. Okay. It's from last 2 years and it has a ramp and it is completely accessible. Okay, so this is something positive, yes, to look forward, definitely, to. Gehlot sahab, aap kuch keh rahe the? Dekho, Narendra Modi ji ne jis prakar se viklang jan ka naam divyang jan rakha, uske aage unhone humko sugamya Bharat abhiyan ki karyojana bhi di. Right. और 3 दिसंबर 2015 से ये योजना हमने प्रारंभ की। ऐसे समस्त बहुउपयोगी और बहुमंजिली संस्थाएं, उनको सुगम्य बनाना, लिफ्ट की व्यवस्था, रैंप की व्यवस्था, अगर दृष्टिबाधित है तो उसके लिए संकेत, जो बोलते नहीं सुनते लिए नहीं हैं उनके लिए भी संकेत। और हमने फर्स्ट फेज में ऐसे 50 महानगर जिनका चयन किया और उन
प्रत्येक 50 प्रत्येक महानगर में 100-100 बिल्डिंग इस प्रकार से सुगम्यता वाली सुविधा से परिपूर्ण बनाने का निर्णय लिया। अभी तक 1662 बिल्डिंग का ऑडिट हो गया, राज्यों ने सहमति दे दी, हमारे यहाँ से उनको पैसा रिलीज कर दिया और उस पर काम प्रारंभ हो गया। ये तो हो गई बिल्डिंग की बात, बहु उपयोगी और बहुमंजिली हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं या और अन्य अन्य प्रकार की संस्थाएं हैं उनका। फिर रेलवे में कोच में चढ़ने के लिए, प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए, ये इसी प्रकार की सुविधाएं। और मुझे खुशी है कि रेलवे विभाग भी इसमें सहयोग कर रहा है। आप देखेंगे तो एस्केलेटर भी लग रहे हैं, परंतु वो दिव्यांगों के लिए पर्याप्त नहीं है, लिफ्ट भी लगा रहे हैं, रैंप भी लगा रहे हैं, एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने की सुविधा भी कर रहे हैं। और अभी कोच में भी ये सुविधा करने का प्रयास हो रहा है कि जैसे ही गाड़ी रुकेगी तो एक बस में जैसा एक वो फोल्डिंग प्लेट रहती है उसको प्लेटफार्म से टच कर देंगे तो व्हील चेयर सहित वहाँ चले जाएंगे। वॉर फुटिंग पे काम चल रहा है जो आप कह रहे हो। और बस में चढ़ने के लिए भी यही सुविधा, हवाई जहाज में चढ़ने के लिए जिस प्रकार से इंडिगो रैंप युक्त सुविधा देती है आने जाने के लिए, इस प्रकार की सुविधा के लिए हम सब जगह प्रयास कर रहे हैं। सिविल एविएशन विभाग भी इसमें सहयोग कर रहा है, परिवहन विभाग भी इसमें सहयोग कर रहा है और रेल विभाग भी इसमें सहयोग कर रहा है और अन्य अन्य सब प्रकार के मंत्रालयों से हमने सहयोग की अपेक्षा की है। राज्य सरकारों को और भारत सरकार के मंत्रालयों की ओर से सब मंत्रालयों में ऐसे सर्कुलर जारी हुए हैं कि भविष्य में जो भी भवन बनेंगे पूरे एक्सेसिबल, हाँ, उनको एक्सेसिबल बनाएंगे। लेकिन गहलोत साहब, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। व्हाट आई वांट टू नो इज दैट व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स व्हिच द डिफरेंटली एबल्ड पीपल आर फेसिंग। द पीपल आर ऑन व्हीलचेयर्स, डू दे हैव द ब्रेल सेटिंग्स डन, then auditory signals, tactile flooring, these are the issues which have come before the differently abled people. I would like some more people to talk on the actual problems which the differently abled people are facing right now. Yes, can you just pass on the mic there? Now when you're traveling in a bus, you're traveling in a train, or maybe you're flying, what are the actual problems you're facing? So I would like to tell something very recent just right now. Yes. I have talked to Abidi sir about it before as well. Right. The main problem, I guess, the people on wheelchairs are facing is that जो cabs हैं वो ही एसेसिबल नहीं है। Uber ले लो, ओला ले लो, मुझे लाजपत नगर से यहाँ तक आना था, मैं लेट आई हूँ, यू मस्ट हैव नोटिस्ड, क्योंकि कोई कैब व्हीलचेयर अंदर रखने के लिए तैयार नहीं है। Okay. ना ओला ना उबर, कोई व्हीलचेयर रखने के लिए, कोई ऊपर उन्होंने कैरियर्स नहीं लगा रखे। यू हाउ एम आई सपोज टू ट्रैवल? आई स्टडी, आई गो टू कॉलेज, मैं पंजाब से यहाँ तक आई हूँ सिर्फ पढ़ने के लिए, अगर मुझे यहाँ पे आके अपनी बात भी रखनी है, मैं कैसे पहुँचू यहाँ तक, क्योंकि कोई कैब ही नहीं है। यू मेड अ सिग्निफिकेंट पॉइंट। एनी अदर प्रॉब्लम व्हिच अ पर्सन इज फेसिंग? यस, जस्ट पास ऑन द माइक, आई विल कम टू यू। यस, गो अहेड प्लीज। यहाँ शहरों की तो बात हो रही है, मगर रूरल एरिया में पीपल विद डिसेबिलिटी इवन अपने घर से भी नहीं निकल पाते, बिकॉज ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्ट है वो प्राइवेट, जैसे ऑटो शेयरिंग वाले चलते हैं, बसें पूरे दिन में 2 या 3 होंगी, विलेज से जो मेन रोड तक है वो कनेक्टिविटी नहीं है, तो उस एक्सेसिबिलिटी को हम कैसे बढ़ाएंगे, दैट इज ऑल्सो द पॉइंट। सो रूरल एरियाज में एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना इज अ लिटिल चैलेंजिंग एट द मोमेंट। एनी अदर पर्सन? यस, जस्ट पास ऑन द माइक प्लीज। यस, मैं डेफ हूँ, मैं डेफ पर्सन हूँ। Yes, किसी से भी मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ तो ये मेरे बैरियर होता है। मैं अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूँ। कैब, अगर हम कैब टैक्सी की बात करें, बट मैं तो आई मीन एनीवन, आई कैन नॉट कम्युनिकेट विद एनीवन। सो ये मेरे लिए एक्सेसिबिलिटी नहीं है। सो आप एक्सेसिबल नहीं हो बिकॉज यू कैन नॉट हियर, देयर इज एन हियरिंग इम्पेयरमेंट। हाउ डू यू रियली कन्वे योर इश्यूज, the day to day problems you are facing, how do you really convey those problems, how do you get your daily chores done? Solution hai problem ka, like aap dekh sakte hain yahan pe interpreter hai, awareness hai, people know ki meri needs kya hai, ki kaise uska solution hai, like it's accessible for me, interpreters is here, are here, people know that how they can connect with me. Okay. So they are providing me, if they know that how they can provide me the accessibility, then it's possible to solve. मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा मंच है, राज्यसभा टीवी पे आपने हम सबको बुलाया है,
और हज़ारों लाखों लोग इसको देखेंगे, तो ये जो डिबेट है कि ये शब्द ये क्यों वो क्यों ये वो रोज़ाना की समस्याएं, ये सब तो आम दिनों में चर्चा होती रहती है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो नया कानून आया है उसकी जो हाईलाइट्स हैं, एक सिर्फ अभी तक हमने एक हाईलाइट डिस्कस की कि विकलांगताएं 7 से बढ़कर 21 हो गई, लेकिन और उस पर भी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। लेकिन जो बहुत अहम बात है वो ये है कि जो नई विकलांगताएं जुड़ी हैं, जिनको मैं न्यू डिसेबिलिटीज़ भी कहता हूँ, निगलेक्टेड डिसेबिलिटीज़ भी कहता हूँ, उनकी क्या समस्याएं हैं, हीमोफीलिक्स की, थैलेसीमिक्स की, हमारे मस्कुलर डिस्ट्रोफी की, लर्निंग डिसेबिलिटी की, और उसके बाद जो कानून के हाईलाइट्स हैं वो आम समाज तक पहुँचें, जनता तक पहुँचें। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मंत्री जी को और सरकार को कि जबकि इसकी शुरुआत पहले से हुई थी, लेकिन उसमें हम नहीं जाएंगे कि सबसे बड़ा जो गेम चेंजर है वो है प्राइवेट सेक्टर की जवाबदेही। इस पर हम चर्चा क्यों नहीं कर रहे, इस पर हम चर्चा क्यों नहीं कर रहे कि अब जब कानून आ गया है तो मंत्री जी अपनी कलम की ताकत का इस्तेमाल करें, और सारे जो दूसरे मंत्री हैं आपके दोस्त हैं, आप इतने सीनियर मिनिस्टर हैं, इतने सीनियर पार्टी के मेंबर हैं, तो एक 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 सख्त आदेश निकले अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से कि अब एक भी नक्शा पास नहीं होगा जो कानून में है अगर बिल्डिंग सुविधाजनक नहीं है। अब एक भी मंत्री जी कह रहे हैं आदेश निकाल दिया। मैं चाहूँगा कि जैसा आपने कहा कि हम रिक्वेस्ट करें कि ये जो इधर के हाईलाइट्स हैं पिछले कुछ महीनों के, जो हमको जैसे मुझे भी नहीं पता है, तो आप ज़ाहिर मंत्री हैं, आपको एक एक बात पता है, आप बताएंगे, लेकिन एक जवाबदेही हो। रेल मंत्रालय में रेलवे को सुगम्य बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, हमारी जो बसें हैं जो ऊंची हैं उसमें विकलांग व्यक्ति कैसे घुसेगा, क्या हम ये आश्वासन ले सकते हैं अपने रोड ट्रांसपोर्ट वालों से कि आगे जो बसें खरीदी जाएंगी। प्रतिष्ठा ने टैक्सी की बात उठाई, एक सख्त कानून, मतलब कानून क्या, कानून तो है, एक सख्त आदेश निकले जो सारी टैक्सी की कंपनियां घूम रही हैं कि भाई कम से कम तुम्हारी 10% टैक्सियाँ ऐसी होंगी जिसमें कि एक व्हीलचेयर। गहलोत साहब से पूछ लेते हैं, सर आप बताइए कि जो जवाबदेही है वो क्या अकाउंटेबिलिटी इस नए एक्ट में बढ़ी है, आप क्या कुछ आंकड़ों के साथ हमें ये बता सकते हैं कि किन लोगों के खिलाफ आपने एक्शन लिया है अभी तक, जैसे कि जिन्होंने लॉज को फॉलो नहीं किया, तो क्या आंकड़े होंगे आपके पास? देखो मैं तो खुशी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, और उन क्रांतिकारी कदमों के कारण 5 गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं। अच्छा। नया एक्ट बनाया, पहले 7 श्रेणियां होती थी केवल, अब 7 से 21 हो गई, और 21 श्रेणियों में जैसा जावेदी साहब ने बताया इस प्रकार की कठिन श्रेणियाँ भी आई है, और इस पर मेडिकल लाइन के सत्येंद्र सिंह जी डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ, कुछ डॉक्टरों ने तो फेलेसीमिया और ये और ऐसी एक दो बातें थी उसको कहा कि ये तो बीमारी की परिभाषा में है, आज नहीं तो कल खून की पूर्ति हो जाएगी तो ठीक हो जाएगी, इसको पर्सनल डिसेबिलिटी और परमानेंट डिसेबिलिटी मत मानो। उसके बाद भी हमारे मंत्रालय ने साहसपूर्वक ऐसे 3-4 श्रेणियाँ ऐसी है जिसको दिव्यांगजनों में सम्मिलित कर दिया। ये ऐतिहासिक निर्णय हमारे प्रयास से हुआ है, नहीं तो बहुत सारे लोगों ने इस पर असहमति व्यक्त की, अभी भी कर रहे हैं, परंतु हमने इसको दिव्यांगता की श्रेणी में ले लिया और ये कानून बन गया। कानून बनने के बाद में अप्रैल से ये कानून लागू हो गया और इसके रूल्स भी बन गए, और वो रूल्स हमने सभी राज्यों को सर्क्यूलेट भी कर दिए, और उनसे भी कहा है कि इन रूल्स के आधार पर आप भी अपने यहाँ रूल्स बनाएं और उस पर इम्प्लीमेंट शुरू करें। नए जो कानून बनाए हैं उसमें 7 से 21 श्रेणियों के साथ साथ भारत सरकार की सेवाओं में, नौकरियों में पहले 3% आरक्षण होता था, अब हमने 4% आरक्षण कर दिया। शैक्षणिक दृष्टि से सशक्तिकरण हो इनका तेज गति से, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें 5% का आरक्षण भी देने का काम किया है।
सेंट्रल लेवल पर पावरफुल बोर्ड होगा, स्टेट लेवल पर होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडवाइजरी कमेटियाँ होगी और ये सब इस पर काम करेगी। और इसके लिए हमने सर्कुलर भी जारी कर दिए, कुछ राज्यों ने अपने यहाँ रूल्स बना भी लिए, कुछ राज्यों ने उस पर इम्प्लीमेंट भी कर दिया, कुछ राज्यों ने अपने राज्यों में 3% आरक्षण का प्रावधान था नौकरियों में, पर जैसे मैं अभी उत्तर प्रदेश गया था उन्होंने 4% कर दिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी राज्य की सेवाओं में 6% है। हमने सब राज्यों से आग्रह किया है कि एक्ट में हमने 3-4% आरक्षण देने का काम किया है, आपके राज्य में 3% है, आप इसको 4% करें, और सभी राज्यों से सकारात्मक रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। लेकिन जो जो चेंजेस, जो गेम चेंजिंग आइडियाज़ की आप बात कह रहे हैं कि ये जो नई एक्ट है ये कुछ गेम चेंजिंग आइडियाज़ लेकर आई है और आपने भी इस पर बहुत शुरुआत किया है, लेकिन ऑन द ग्राउंड क्या इनमें से जितने भी लोग हैं उनको क्या इस चीज़ का फ़ायदा मिला है? कैन यू जस्ट पास ऑन द माइक टू यस सर। मैं एक स्पेशली एबल्ड बच्चे का पिता हूँ। 1994 से जावेद इस पूरे काम में लगे हुए हैं, ये अच्छी तरह से समझते हैं कि क्या समस्याएं हैं। आपने 7 से 21 ज़रूर किया लेकिन अभी तक रूल्स और गाइडलाइंस आपके ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। पहला, वो कब तक होंगे, राज्य सरकारें कब तक करेंगी, वो आगे की बात है। 1984 से लेकर अब तक जो सर्टिफिकेट लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के लिए बच्चों को दिया जाता था वो मेंटल रिटार्डेशन का दिया जाता था, और उस समस्या का आप क्या करेंगे इन 21 के नए परिभाषा आने के बाद, इस ये एड्रेसिंग चाहता हूँ मैं, क्योंकि मैं अपने बच्चे को लेकर के इस एक्ट आने के बाद मैं उस चिन्हित जगह पे गया था और मैं सर्टिफिकेट उम्मीद कर रहा था लर्निंग डिसेबिलिटी की, वहाँ पर हाईएस्ट लेवल पर सारे लोग इन्वॉल्व होकर के भी मेरे बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन का दिया, जो कि एकदम ही अनएक्सेप्टेबल है नए कानून आने के बाद। ये है समस्या। इस संबंध में मैं जानकारी देना चाहता हूँ निवेदन के साथ कि 7 से जब 21 श्रेणियाँ की तो इन 21 श्रेणियों के जो एक्सपर्ट मिलना चाहिए वो लोग ही ढूंढने में हमको बहुत ज़्यादा समय लगा है, और हमने हर जिला लेवल पर ये 21 श्रेणियों में डॉक्टर एक्सपर्ट हो इस प्रकार के आइडेंटिफिकेशन का प्रयास प्रारंभ किया, कई राज्यों ने उसमें कर लिया है, और सारे देश में पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनता था एक जिले का, दूसरे जिले में वो परिचय पत्र मान्य नहीं होता था। हमने यूनिवर्सल आइडेंटिटी कार्ड बनाने का भी निर्णय लिया पिछले साल और 11 राज्यों ने तेज गति से उसमें काम आगे किया है। उसमें थोड़ा सा गति में गतिरोध इसलिए आया है कि पहले 7 श्रेणियों के आधार पर बनाने का काम हो रहा था, अब 21 श्रेणियां हो गई और 21 श्रेणियों से संबंधित स्पेशलिस्ट हमको उन जिलों में ढूंढना पड़ रहे हैं, और एक जिले में अगर नहीं मिल रहा है तो दूसरे जिले से किसी न किसी को उस पैनल में इंक्लूड करने का प्रयास करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से आपकी चिंता से मैं भी सहमत हूँ, परंतु प्रयास किया है और तेज गति से इम्प्लीमेंट करने का हम प्रयास कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि इस साल तक ये सब यूनिवर्सल आइडेंटिटी कार्ड बनाने में हमको सफलता मिलेगी और सही आंकड़े भी सामने आएंगे। अभी तो 2,68,00,000 है, 2.21%, परंतु ये 21 श्रेणियां होने के बाद निश्चित रूप से ये 6-7 करोड़ से अधिक की संख्या आएगी। कुल मिलाकर हमने प्रयास तेज गति से कर दिया है और हमको विश्वास है कि राज्यों के सहयोग से इसमें सफलता भी मिलेगी, और इन 3.5 सालों में हमने इतने कैंप लगाए, 550 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि के सुविधा उपलब्ध कराई, 9.5 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया, और उसके बाद भी कोई किसी प्रकार की शिकवा शिकायत नहीं है। ये काम तो मेरे ख्याल से प्रशंसा के योग्य है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमने नए एक्ट के लागू होने के पहले ही प्रारंभ कर दिए हैं। लेकिन जावेद, आई वांट टू कम टू यू। मिस्टर गहलोत वाज जस्ट मेंशनिंग दैट हाउ कॉर्पोरेट्स आर आल्सो डू एम्प्लॉइंग पीपल एज पार्ट ऑफ दिस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट व्हेन यू टेक दिस मिशन एज पार्ट ऑफ अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डू यू नॉट रिड्यूस द एंटायर प्रोजेक्ट एज समथिंग व्हिच इज लुक्ड अपॉन एज अ पीस ऑफ चैरिटी एंड नॉट एज समथिंग व्हिच विल एक्चुअली इन्वॉल्व द इंक्लूजन? व्हाट डू यू रियली हैव टू से ऑन दिस?
See, my experience is mixed. And I know many, many corporates without naming anyone who are doing fantastic work. Okay. I would say that they are doing better than perhaps the government in employing not just people with disabilities, but very severe people with very severe disabilities. Some of them are doing as part of CSR, on which I agree with you. I mean, obviously, disability is not an issue of CSR. Disability should not be seen as nowhere close to charity. Right. What again, talking of a game changer, what I am excited about the new law is the entire principle of non-discrimination. Okay. And ye mere khayal se janta ko, aam logon ko batana bahut zaruri hai ki ek bahut bada fark aaya hai ki kanoon ke antargat ab private sector bhi kanoon सिर्फ कोटा को छोड़कर केवल जो 3% 4% कोटा है वो उन पर लागू नहीं है, मगर जो एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन है उसमें प्राइवेट सेक्टर आता है और कानून कहता है कि हर प्राइवेट सेक्टर को अगर उसके 20 एम्प्लॉयज से ज्यादा हैं अपनी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी बनानी होगी और वो इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी उनको अपनी वेबसाइट पर या किसी प्रोमिनेंट जगह पर लगानी होगी. तो हर एक कॉरपोरेट सेक्टर पर अभी जिम्मेदारी है CII पर, फिक्की पर, NASCOM पर, उनके सारे मेंबर्स पर कि वो हमें ये बताएं कि उनकी इक्वल अपॉर्चुनिटीज पॉलिसी क्या है vis-a-vis persons with disabilities. And जहां आपने डिस्क्रिमिनेशन की बात किया, ये फैक्ट है कि डिस्क्रिमिनेशन हैज बीन वन ऑफ दोज इल्स व्हिच हैज रियली ड्रैग्ड द जर्नी ऑफ द डिफरेंटली एबल्ड पीपल इन द कंट्री. एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, जैसे आपको MNREGA के अंदर अगर जॉब्स चाहिए तो उसमें सर्टिफिकेट मिलने में ही करीब 4 से 5 से 6 महीने लग जाते हैं. तो क्या ये जो टाइम है ये क्या कर्टेल हो सकता है, लोगों को सर्टिफिकेट्स जल्दी मिल सकते हैं क्योंकि तभी उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसके बारे में नई एक्ट भी बात कर रही है. आवेदन के 10-15 दिन के अंदर अंदर प्रमाण पत्र देने की परंपरा और व्यवस्था है. अच्छा. हमने भी उनको कहा कि 1 महीने से ज़्यादा विलंब किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए. अच्छा. और ये बात सही है उनकी कि दिव्यांगता का सर्टिफिकेट मांगते हैं वो, तो दिव्यांगता के सर्टिफिकेट के बिना तो कोई उसको मानेगा नहीं कि है कि नहीं है. है तो भी सर्टिफिकेट नहीं है तो रिकॉर्ड में उसको वो कर नहीं सकते. रहा सवाल शिक्षा में कोई कठिनाई आ रही है तो हमने मानव संसाधन विभाग के साथ बातचीत करके शिक्षा विभाग से निर्देशित कराया है कि किसी भी प्रकार का दिव्यांग बच्चा है आप उसको एडमिशन देने से इनकार नहीं करेंगे. okay. और एडमिशन मिलने के बाद हमको ये सारे उनके अनुसार जो उपकरण होते हैं, किसी को व्हीलचेयर चाहिए, किसी को छड़ी चाहिए, किसी को और कुछ चाहिए, डेजी प्लेयर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए ब्लाइंड है तो, ये सारी सुविधा स्कूल के माध्यम से भी हम उपलब्ध कराते हैं. okay. उनको एक साथ सामग्री और पैसा उपलब्ध करा देते हैं और वो उससे ये सुविधा उपलब्ध कराते हैं. right. जहाँ तक भर्ती में भेदभाव अगर कोई करता है वो भेदभाव करने का कहीं कोई प्रावधान नहीं है, परंतु कुछ जगह होता है मानसिकता ठीक नहीं होने के कारण. एक मिनट, जैसे रेलवे में, दक्षिण रेलवे में एक ब्लाइंड को नौकरी देने से मना कर दिया. उसने इंटरव्यू दिया, परीक्षा दी, चयन हो गया, परंतु उसको ज्वाइन कराने में आनाकानी की. जैसे ही उनकी जानकारी हमको मिली, रेल मंत्री से तुरंत आदेश करवाया और उनको नौकरी पर रखवाया. इस प्रकार की अगर कठिनाई कहीं सामने आ रही है, मान लो कोई व्यक्ति अपनी सोच ठीक नहीं होने के कारण अगर उसके साथ भेदभाव करता है या कोशिश करता है और हमको जानकारी मिलती है तो हम उनकी मदद करते हैं और सफलता भी मिलती है. नियमों में किसी प्रकार का भेदभाव करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा प्रावधान हमने किया है. और ये जो 21 श्रेणियां हैं, 21 में 5-6, 5-6, 5-6 का ग्रुप, ऐसा करके 4 ग्रुप कर दिए जी. और इसका 1%, इसका 1%, इसका 1% और ये इसका 1% नौकरी आपको देना ही पड़ेगी. और रिक्त स्थानों की पूर्ति भी, 15,500 रिक्त पद थे दिव्यांगजनों के भारत सरकार के भिन्न भिन्न मंत्रालयों में, हमने 12,500 से ज़्यादा रिक्त पदों की पूर्ति भी करा दी. और इस प्रकार के जो भेदभाव के कारण अटके हुए थे वो सब भेदभाव दूर करने का प्रयास किया. अब ये बात सही है कि अनेक वर्षों से कुछ मानसिकता इस प्रकार की है, हमारा प्रयास है सोच बदलने की कोशिश कर रहे हैं. हमारा प्रयास ये भी है कि ये धारणा गलत है कि जो खाएगा कमाएगा वही खाएगा ऐश करेगा, जिसके पास कुछ नहीं है
उसके प्रति भी हमारा कर्तव्य है और आदिकाल से ये परंपरा चली आ रही है। हम इस प्रकार की सोच बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि सब एक दूसरे के पड़ोसी के कष्ट में सहयोगी बने, चाहे वो दिव्यांग हो या कोई भी हो, मानसिकता बदलने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जब मानसिकता बदलने की बात आती है तो ऑब्वियसली उस पूरे प्रोसेस को अनफोल्ड करने में टाइम लगता है। ईरा, यू हैव अंडरगॉन अ सिमिलर स्टोरी, यू हैव फॉट the administration, you went to the courts, and now you are a successful woman. Just tell us those initial troubles, the teething troubles which you faced, and when finally you decided that no, court is the only way how you can win your battle. What were the kind of insensitivities which you really faced in the beginning? So main 1995 wale act ke under recruit hui thi, and problem ye thi ki meri disability is not recognized. लोकोमोटर में माई डिसेबिलिटी इंडिविजुअली वॉज नॉट रिकोगनाइज्ड, एंड दूसरी चीज़ अगर वो रिकोगनाइज होती भी है तो मुझे कैटेगरी बदल के थोड़ा जो करना पड़ता है। ओके, प्रॉब्लम ये है कि रिकोगनाइज होने के बाद भी पीपल डोंट थिंक आप केपेबल हो, तो जब सर्विसेज ने, एंड दिस इज समथिंग विच नीड्स टू स्टिल बी चेंज्ड, जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो हमने ये बनाया हुआ है कि आपकी डिसेबिलिटी क्या होगी और आपकी एबिलिटी क्या होगी, और okay. दोनों मैच करेगा तभी मैं आपको लूँगी। ओके okay. तो बट 90% केस में सी डिसेबिलिटी ना एक सेट नहीं है कि सब ऐसे ही होंगे, हर इंडिविजुअल की डिसेबिलिटी बहुत अलग और होती जो है। पहले का नॉर्म था वो ये ऑफिशियल्स ये लिख दिया करते थे कि नॉट फाउंड सूटेबल विदाउट गिविंग एनी रीजन, दैट वाज द नॉर्म अर्लियर। हां, बट मेरे केस में तो वो भी नहीं था। सिंगल को जो तकलीफ आई थी ना, मैं सोचता हूं ये आप 2016 का एक्ट बना है ना, उसके कारण थोड़ी सी सहायता मिलेगी। पहले 1995 का एक्ट था उसमें हाँ ये एकदम क्लियर नहीं था, अब वो सब क्लियर हो गया और ये इसमें जुड़ गया आप। बट डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, व्हेन इट कम्स टू इनसेंसिटिविटी, नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज अ सिचुएशन विद व्हिच द पीपल आर ग्रैपलिंग, द डिफरेंटली एबल पीपल आर ग्रैपलिंग ऑन अ डे टू डे बेसिस। Do you really think that the new act will bring a difference when it comes to tackling with insensitivity? Because aaj bhi bahut sare aise departments hain government ke jahan aap jaate hain to log jo officials hain wo khud sensitive nahi hai is issue ko leke, they themselves are not very sensitive when they are tackling on a day to day basis these kind of issues. So how do you really sensitize these officials? I think the biggest barrier is not the infrastructure or the lack of ICT. The biggest barrier is the attitudinal barrier, okay. mindset, which we talked about right. earlier. Absolutely. Because even the new act has been implemented from 19th of April last year, 2016. Mm-hmm. And first of all, you know, congratulations to the government because they have included the hematological disabilities, thalassemia, sickle cellemia, and hemophilia. Now, after the passage of this act, the implementation of this act, a girl in Chhattisgarh clears the NEET examinations. But she was denied MBBS examination. Okay. She had to go to the Supreme Court, and the Supreme Court allowed her MBBS seat without counseling. During the same time, another student in Delhi, Digant Jain, cleared the same examinations. He gave the reference of the Honorable Supreme Court's order, and then he had to go to the court against the IPG University. The High Court allowed him the seat. Unfortunately, the Medical Council of India and the IPG University filed a case in the double bench. Okay. So this is what I talked about, the insensitivity. Despite the act being implemented from 19th April onwards, this is what we are seeing. So despite this is the lack of you know, sensitivity. So despite जानकारी कहीं हो तो हमारे पास भेज दिया करो, मदद करो। नहीं सर, ये तो सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन था ऑर्डर का सर। ठीक है, हां तो ऐसी कोई जानकारी हो हमारे पास भेजो, हम भी आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल, मंत्री जी ने ऐलान किया इस प्रोग्राम में भी कि ऐसी कोई भी, that's why I would like to, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मंत्री जी को डायरेक्टली बोल सकते हैं। बट माय पॉइंट इज दैट इफ एटीट्यूडनल बैरियर्स स्टिल एग्जिस्ट डिस्पाइट द न्यू लेजिस्लेशन इन प्लेस, how can the things really change? I want to know from the people who are sitting here, is the media playing a proper role? Now, for example, do you find media, I remember reading a book called The Gender Bias in News Media, written by Hare Krishna Behera, where he says that the political news finds a coverage of about 29%, economy finds a coverage of 19%, but the social issues, the issues related to disability or you know the other issues, they find a nominal mention, just a minimal 2%. So can media really help overcome the attitudinal barriers? Yes, somebody wanted to speak. Yes. So thank you for the minister for coming here and getting the law passed. Everything is good, but one problem that I am sad about, that in the UID, that the word HI is still used, hearing impaired, but in the new law there's like proper words given deaf and hard of hearing. So when are
deaf person goes for the card, for the certificate, but it still says HI. And there's confusion around the deaf community that when that word will be changed, HI to deaf and hard of hearing, that in the new law, those two terms are there. So like the confusion with the certificates and UID is solved. Okay, so what you're saying is that the confusion with the ID card still exists. ये जो इनकी समस्या है, ये नए एक्ट में इसको जोड़ दिया गया है, अब इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, पहले के कानून के कारण दिक्कत आती थी, अब इसमें सुधार हो गया, अब इनका भी वो बन जाएगा और हमने इनके लिए भी एक दृष्टि मुखबधिर और इनके लिए एक अलग से अनुसंधान केंद्र नेशनल लेवल पर स्थापित किया है, इसको इन्होंने अप्रिशिएट भी किया है, इस पर स्वागत भी किया था, उसके माध्यम से भी इस समस्या का समाधान करने का हम प्रयास कर रहे हैं. ओके, बट व्हाट माय क्वेश्चन टू यू वाज दैट हाउ कैन यू रियली ओवरकम द एटीट्यूडनल बैरियर्स. यू कैन प्लीज टेक योर सीट. यस, हाउ डू यू ओवरकम द एटीट्यूडनल बैरियर्स, बिकॉज आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट बैरियर व्हेन यू आर वेजिंग अ बैटल यू नो फॉर द डिफरेंटली एबल्ड पीपल. यस, प्लीज गिव मी द माइक. मेरे पास एक सोल्यूशन है जो एटीट्यूडनल बैरियर को बहुत जल्दी चेंज कर सकता है. मेरा ये पर्सनल मानना है कि अगर डिमोनेटाइजेशन रातों रात हो सकता है, GST कुछ दिनों के अंदर लागू हो सकता है, अगर ऐसा कोई गाइडलाइंस निकले कि सारी बिल्डिंग्स इतने दिनों के अंदर एक्सेसिबल होने चाहिए, या हमारे टीवी चैनल्स एंड रेडियो प्रोग्राम्स में ये 21 न्यू डिसेबिलिटीज़ की के बारे में थोड़ी सी सेंसिटाइजेशन, कोई टॉक्स, ये दूरदर्शन के माध्यम से कितने लोगों को पहुंच सकता है. हम लोग बहुत लोग देखते हैं वॉक द टॉक, यहाँ पे बहुत लोग हैं जो वॉक नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम नए डिसेबिलिटीज़ के एक्सपर्ट्स को लेके कुछ चर्चा करें तो अपने आप से सेंसिटिविटी बढ़ेगी. Okay. लोग अवेयर होंगे और परसेप्शन चेंज होगा. So और आपके चेंज आपके कहने का मतलब समय है कि समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए हैं और आपका सुझाव अच्छा है और गति तेज करेंगे. और जो फर्स्ट फेज में हमने ये 50 बड़े महानगर लिए हैं, अगले फेज में कोशिश करेंगे कि अधिकांश बिल्डिंग्स और बाकी सब सार्वजनिक उपयोग की स्थान सुगम्यता से लोगों को आने जाने की सुविधा उपलब्ध कराने में सफल हो जाए. मंत्री जी, आप क्या इस बात को मानते हैं कि मीडिया बहुत ज़्यादा जो डिसेबिलिटीज़ है और जो डिफरेंटली एबल पीपल हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा मीडिया इस समय सोच नहीं रहा है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? एकदम आपकी बात से, आपके प्रश्न से सहमत हूँ. ये काम या कोई सी भी योजना केवल सरकार या सरकार के मंत्री या सरकार के अधिकारी कर्मचारी के बल पर सक्सेस नहीं होती 100%. ओके, उसमें सबका सहयोग और सबका साथ, सबका विकास और जन भागीदारी जरूरी है. और हम हर जगह प्रयास कर रहे हैं. ये प्रयास हम NGO के माध्यम से भी करते हैं, ऑटोनॉमस बॉडी के माध्यम से भी करते हैं, राज्य सरकार के माध्यम से भी करते हैं, हम सार्वजनिक कैंप आयोजित करते हैं उसके माध्यम से भी करते हैं, हम प्रेस में जो विज्ञप्ति देते हैं कार्यक्रमों की. Okay. उसमें ये 5-7 प्रमुख बातें उल्लेखित करके प्रयास कर रहे हैं वातावरण तेज गति से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए अनुकूल बनाने का. चलिए, अब इसमें सब सहभागी हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा. जावेद जी, योर से योर लास्ट थॉट्स. नहीं, बस यही है कि एक बहुत अच्छा कानून आया है, बहुत मजबूत कानून आया है, मगर उसको लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है. Okay. उस पर जितनी चर्चा हो सके. बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया कि मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मीडिया अगर अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे और मेनस्ट्रीम मीडिया और आम लोगों तक कानून पहुंचे, उसकी ताकत पहुंचे, उसको कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं और जितनी गति इसमें लाई जा सके, बस यही. So the key lies in the implementation, how the policies are being implemented on the ground. Dr. Satin Singh, you would like to say? The key solution to this problem is involving people with disabilities in policy making. Okay. For example, very quickly, yes. अगर महिला कमीशन का जो चेयरपर्सन महिला हो सकती है, दलित कमीशन का दलित हो सकता है, चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी वो एक विकलांग क्यों नहीं हो सकता, नंबर वन. ओके, व्हाई रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल ट्रस्ट एंड CCPT, ऑल ऑफ दीस 3 की स्टैचुरी बॉडीज आर बीइंग होल्ड बाय जस्ट वन पर्सन. वी नीड टू एम्पावर दीस बॉडीज विद द पीपल लिविंग विद डिसेबिलिटीज. ईरा, योर लास्ट थॉट्स बिफोर वी वाइंड अप द शो. देयर हैज बीन अ चेंज एंड इवन विद द एटीट्यूड्स लाइक यू वर रेफरिंग कि एटीट्यूड कैसे चेंज करेंगे. जब आप लोगों को मेन स्ट्रीम में सबके साथ इक्वली काम करते हुए देखेंगे, एटीट्यूड अपने आप चेंज हो जाएगा. So I think this is where the beginning has been made and hopefully this will continue. So you need more people. Satyendra Singh ji ne jo kaha us prakar ka hamara prayas bhi hai.
जो सेंट्रल लेवल का बोर्ड बनेगा उसमें ज़्यादातर यही रहने वाले हैं, स्टेट लेवल का बोर्ड बनेगा उसमें भी यही बनेगा। पहले हमारे इसमें एक संस्थान के श्री पिंचा साहब थे, टोटली ब्लाइंड थे, और भी ऐसी संस्थाओं में हमने इस प्रकार के लोगों की ज़्यादा भागीदारिता निभाने का काम किया, पर जो रूल्स रेगुलेशन पुराने बने हैं उसमें बहुत सारी योग्यताएं मांगी गई है, उस योग्यता को फुलफिल करने वाला भी चाहिए। हमारे यहाँ जैसे CCPD वाला एक पोस्ट था, उसमें एक नियम था कि 3 साल की अवधि रहेगी, परंतु जब तक सक्सेसर नहीं आएगा वो बने रहेंगे, और सक्सेसर के चयन के लिए उनकी अवधि समाप्त होने के बाद प्रारंभ की जाएगी कार्रवाई, ऐसा था। अब उसके कारण हमने 6-6 महीने में 3-4 बार विज्ञप्ति जारी की, उस योग्यता के दायरे में कोई मिला नहीं, तो अभी एक कानून में संशोधन किया है कि 3 महीने की अवधि के 6 महीने पहले ही, 3 साल की अवधि के 6 महीने पहले ही उसके सक्सेसर के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। अब हम उम्मीद करते हैं कि जिस समयावधि के लिए वो वहाँ बैठेगा उतने समयावधि में वो रिटायर होगा और दूसरा आएगा। अब जैसे हमने इस प्रकार के वातावरण बनाने के लिए स्वर्णा राज बैठी है, इनके श्रीमान जी दीपक राज और ये सब, इस प्रकार के बहुत सारे दिव्यांग जनों में से हमने लोगों को काम में लगाया, पूछो इनको अनुभव। बैठे हैं, and as I said, these are people who don't belong to the other category. They are not only the beneficiaries, but they are agents of change. They are the empowered group. They are not to be looked at as objects of charity. On that note, I'd like to thank all my guests, Ira Singhal, Thawar Chand Gehlot. It was a pleasure having talking to you. You've come out of the budget session and made time for the program. We're really thankful to you for that. Javed Abidi, Dr. Satyen Singh, and all this vibrant set of people who've come here and joined us on the program. Thank you so much. It was a pleasure talking to all of you.